स्टूडेंट, आप लोग आज फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में बीएसवी क्लास में। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं कि बहुपद चैप्टर कैसे सॉल्व करें। ठीक है, इसके बारे में पूरा कुछ चैनल बनाएंगे, आप लोग तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करते चले। तो आज हम चलिए, इससे पहले मैथ का 2.1 हो चुका है क्लास सॉल्व। ठीक है, आज 2.3 और 2.4 प्रश्न वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक का ये बुक क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी बुक होगा तो आप लोग जरूर देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन उसमें है। आज हम बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए तो जरूर से जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस तरह से विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है, देखिए आगे इस तरह से लिखा हुआ, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, भागफल और शेषफल हमको ज्ञात करना है। चलिए हम क्वेश्चन पहले देखते हैं, बहुत आसान तरीके से आप लोग एक बार में ही समझ जाएंगे कि कितने ईजी से सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, लाइव कमेंट करते चले और लाइक भी करें आप लोग, जितना भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं अभी लाइव में। चलिए इस तरह से क्वेश्चन को लिख देंगे। ठीक है, ये क्या होगा, पी एक्स को लिख दिया, अब जी एक्स लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, जी एक्स, इसके बाद देखिए कितने से हम भाग लगाएंगे, एक्स से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर 2 में 2x हो जाएगा, तो 2x कहाँ है, 5 के 2x यानी x के सामने लिखेंगे तो 5x हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें से हम फिर इसको माइनस करेंगे, 3x के सामने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर रहता तो हम लिखते, तो इसमें से इसमें माइनस होता। ठीक है, बराबर के सामने हम बराबर को लिखेंगे, तो चलिए इसमें प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। देखिए इस तरह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा मेरा और प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 7x हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मेरा नहीं नहीं प्लस प्लस माइनस होगा। ठीक है, इस तरह से तो चलिए फिर 3x स्क्वायर वहाँ पर माइनस 3 होगा। ठीक है, थोड़ा मिस हो गया लेकिन हम बता लिख देते हैं थोड़ा देर में। ठीक है, चलिए इस तरह से हो गया ना, देखिए वहाँ माइनस होगा इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एकदम कुछ छूट गया था थोड़ा, तो चलिए इसको कट जाएगा तो माइनस 7x हो जाएगा, ये भी प्लस होगा हम बोले थे ना, उसमें थोड़ा माइनस मिस कारण हो गया था माइनस, तो इससे तो प्लस 7 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 6 में माइनस 3 और प्लस 6 है तो कितना हो जाएगा मेरा, माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो मेरा ये क्या निकल के आ गया, शेष फल निकल के आ गया। ठीक है, तो देखिए कितना इजी तरीके से बन गया ये क्वेश्चन मेरा और ये भागफल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं, पूरा फुल्ली वीडियो आप लोग देखिएगा तब तो समझ आएगा। ठीक है, बहुपद चैप्टर 1 समाप्त हो चुका है, इससे पहले वास्तविक संख्या भी समाप्त हो चुका है, वो आप लोग जाकर देखिए वीडियो में। ठीक है, देखिए इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीके से है, इसको मैं सही कर लूँगा, पहले एक्स स्क्वायर लिख लूँगा उसका माइनस एक्स प्लस 1 बाहर कर दूँगा। ठीक है, इस तरह से देखिए माइनस एक्स प्लस 1 इससे मेरे भाग करने में बहुत इजी होगा। ठीक है ना, चलिए इस तरह से मैं इसको भी लिख लिया, चलिए इसके बाद इसमें हम एक्स स्क्वायर से भाग देंगे। ठीक है ना, समझते चलेंगे आप लोग, नोट भी करते चलेंगे आप लोग, एक्स स्क्वायर से हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, एक्स 4 हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स में एक्स 3x क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से और यहाँ पर 4 की जगह पर मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से
तो चलिए इसका माइनस सब कुछ चेन बदल लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरह से ये कट जाएगा। 3x³ नहीं है तो 3x³ जो कहते उतार देंगे, उसके बाद 3x² में से हम क्या करेंगे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, बड़े जोड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो चुका है तो 4x² हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 उतार देंगे, ठीक है इस तरह से। चलिए आगे देख लेते हैं, फिर उसमें हम x से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा x³ हो जाएगा, और उसके बाद x² और नीचे हो जाएगा मेरा x, ठीक है इस तरह से। चलिए फिर इसको चिन्ह बदल लेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है इस तरह से ये कट जाएगा मेरा। ये कितना हो जाएगा मेरा, प्लस है तो ऊपर माइनस ज़्यादा है तो मेरा 3x² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 3x × 5 हो जाएगा, ठीक है इस तरह से। तो मेरा सेसफल भी निकल के आ गया। अच्छा देखिए अब 3 से हम डिवाइड लगाएंगे, ठीक है इस तरह से। तो 3 से डिवाइड लगाने पर 3x² वहाँ हो जाएगा मेरा 3 + 3x और यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है इस तरह से। इसको इसमें काट देंगे, घटा कर देखे दोनों कट गए तो मेरा सेसफल कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है इस तरह से। सेसफल कितना आ गया, 8। चलिए उसी तरह से मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आप लोगों के बीच। ये क्वेश्चन आ गया देखें, ये मेरा हो गया भागफल, ठीक ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी तरह से। x - x² इधर लिख लेंगे, प्लस को उधर जाने देंगे क्योंकि इससे मेरे भाग के देने में बहुत आसानी होता है, ठीक है। देखिए इस तरह से हो जाएगा ना। इसके बाद इसमें हम भाग देंगे x² इस तरह से, ठीक ना। चलिए -x² से भाग देंगे, इतने कितना हो जाएगा, -x + x² हो जाएगा, ठीक ना। फिर यहाँ पर 4 है, ठीक ना, क्वेश्चन लिखने में गलत हो गया था, यहाँ 4 है, x 4 हो जाएगा। तो मेरा x - 4 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, x 2x² हो जाएगा, ठीक है इस तरह से। तो ये कट जाएगा मेरा, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपको 3x² देखिए। इसके बाद ये मैं माइनस करके इतना लाया, और उसके बाद 2 से भाग देने पर कितना मेरा हो जाएगा, -2x² हो जाएगा इस तरह से, और +4 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है इस तरह से। मेरा कितना आ जाएगा, कल के 6 4 10 यानी के मेरा सेसल कितना निकल जाएगा, 10। ठीक है, भागफल वो हो गया, और ये सेसफल ये हो गया -5x + 10, ठीक है। माइनस माइनस से भाग लगा इसलिए मेरा प्लस हो चुका है 2x, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न वाले 2-4 को देख लेते हैं। ये बहुत इजी तरीके में इसको मान पुट करना, ठीक है। यहाँ मान दिया हुआ 1/2 1 और -2 को पुट करेंगे उसमें तो मेरा ऐसा निकल के चला गया, ठीक ना। ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, इसी मान को उसमें हम पुट करेंगे, ठीक ना। आप लोग चैनल पर बने रहे और लाइक सब्सक्राइब भी करते चले चैनल को, और वीडियो को शेयर भी करते चले। देखिए इस तरह से मान पुट कर रहे हैं हम। चलिए एक को रखें, बता दें आपको, क्योंकि इजी में हो जाएगा। 1/2 रखेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए 1 को हम रख के आपको बता रहे हैं। देखिए इस तरह से
वन क्या एक्स के जब वन करेंगे तो वन का स्क्वायर हो जाएगा, फिर वहाँ स्क्वायर इसी तरह से हो जाएगा, आप लोग देख लिए। तो चलिए वन टू में गुना करेंगे, वन से प्लस वन हो जाएगा, और उसके बाद फिर एक्स एक स्क्वायर एक ही होगा तो इसी तरह फाइव गुने वन हो जाएगा। तो चलिए गुना करने के बाद ये मेरा हो जाएगा टू प्लस वन माइनस फाइव इंटू टू, यानी कि इस तरह से हो गया टू एक थ्री माइनस पाँच, और यहाँ प्लस टू होगा, ठीक है, माइनस लिखे प्लस टू होगा, वहाँ पर थोड़ा मिस हो गया है कि हम सुधार कर लेते हैं, आपको बता देते हैं इस तरह से सुधार करके। देखिए प्लस कर देंगे, इसको प्लस होगा, तो इसके बाद इसमें घटाएंगे तो मेरा कितना प्राप्त हो जाएगा, जीरो, ठीक है, क्या मिल जाएगा हमको, जीरो, इस तरह से, ठीक ना। उसी तरह से चलिए माइनस दो आपको रख के बता देता हूँ। देखिए इस तरह से पुट करेंगे, मान एक्स के जगह माइनस दो पुट करेंगे इस तरह से, ठीक ना। तो इस पुट करने के बाद माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर हो जाएगा, प्लस इसका माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर हो जाएगा, इसका फिर माइनस फाइव लिखेंगे, माइनस टू लिखेंगे, प्लस पाँच लिखेंगे इस तरह से, उसके बाद गुना कर देंगे, चार आठ हो जाएगा, प्लस फोर हो जाएगा, माइनस माइनस कहना दस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर तो प्लस दस हो जाएगा, प्लस पाँच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस पाँच होगा, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा प्लस होगा, यहाँ पर माइनस नहीं होगा। उसके बाद फिर इधर देखिए, इस तरह से हो जाएगा, मैं देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन में तो गड़बड़ नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं क्वेश्चन में तो लगभग कोई गड़बड़ ही नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस ही होगा, ठीक है ना। चलिए इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 27 हो जाएगा, ठीक ना, मेरा ये 27 निकल के आ जाएगा, ठीक इसी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, वन हम पुट करके देख लेते हैं, ठीक है, वन का क्यू हो जाएगा माइनस फोर एक्स के जब वन रखेंगे तो वन का स्क्वायर हो जाएगा, फाइव इंटू वन रखेंगे तो वन हो जाएगा इस तरह से, वन का क्यू प्लस माइनस फोर, वन का वन ही हो जाएगा इस तरह से, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, जीरो निकल के आ जाएगा इसलिए, ठीक है, पाँच एक छः और चार दो छः, यानी कि मेरा हो जाएगा आंसर जीरो निकल कर, ठीक है। तो इस तरह से आज का क्लास समाप्त होता है, ठीक है ना। आप लोग चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कर दे, और नेक्स्ट क्लास फिर इसका मैथ का नेक्स्ट चैप्टर होगा जो द्विघात समीकरण है, वही आपको क्लास कराया जाएगा, ठीक है, वही वो चैप्टर होगा, बहुपद और रियल नंबर समाप्त हो चुका है, ठीक है ना। देखिए ये छः हो जाएगा, जीरो हो गया ना। तो आप लोग चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करते रहें और शेयर भी करते चले वीडियो को, ठीक ना, क्योंकि समझ आ जाए आगे आप लोग देखिए। तो चलिए आज यहीं समाप्त करते क्लास हम, अच्छा लगे तो लाइक करते चले, ठीक है, तब तक के लिए बाय, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करिए कल आप लोग, कल कमेंट में बताइए कि क्या करना है कल, ठीक है, नेक्स्ट में कल बताएंगे, आप लोग कमेंट होगा करें और बताएं।